हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट पुडिंग। और ये चॉकलेट पुडिंग हम केवल चार चीज़ से बनाएंगे। और इस समर सीज़न में ये ठंडा वाला चॉकलेट पुडिंग डेजर्ट आप सबको बहुत पसंद आएगा। एक बार इसे ज़रूर बनाना। ये बिल्कुल बाहर जो मार्केट में बनता है हम खाते हैं उसी तरह का ही ये बनता है, और एकदम कम समय में ये बन जाता है, तो ज़रूर इसे ट्राई करना। यहाँ पे मैंने एक कप दूध लिया है, ये दूध कच्चा वाला है। इसमें 3/4 कप शुगर ऐड की है, 2 बड़े चम्मच अनस्वीटेड कोको पाउडर है, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर है, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इसके बाद इसे मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इस तरह से हमें इस लिक्विड को मिक्स करना है। उसके बाद हम यहाँ पे इसे धीमी आंच पे पकाएंगे, और आपको इसे लगातार चलाते रहना है, वरना इसमें गांठें पड़ सकती है। तो लगातार चलाते रहिए, और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। और यहाँ पे गैस आप धीमी आंच पे ही रखना। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा, और आप देख सकते हो इसकी जो थिकनेस है हमें इतनी ही रखनी है। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कांच का बाउल लिया है, उसके अंदर हम पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम इसे फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हो, उसमें 5-6 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो 3-4 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इससे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप डीमोल्ड करते टाइम आप देख सकते हो कि ये इजीली बाउल में से छूट रहा है। इसके ऊपर आप व्हीप क्रीम या चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हो, चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हो, पर यहाँ पे मैंने सिंपल कोको पाउडर होता है उसे डस्ट किया है, और ये लुक वाइज बहुत इसमें अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो ये जेली फॉर्म जैसा दिख रहा है ये, और ये खाने में बिल्कुल ही डिलीशियस लगता है। आप ये डेजर्ट इस समर सीजन में ज़रूर एक बार ट्राई करना, एकदम चिल चिल ये डेजर्ट आपको पसंद आएगा, आपके घर में सबको पसंद आएगा, खास करके बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट होता है। तो ज़रूर इस तरह से आप एक बार ट्राई करना। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को क्विज शगुन को सब्सक्राइब कर देना, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर भी कर देना।